जहाँ पर स्वराज एक्सप्रेस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम किया जा रहा है कुपोषण को लेकर, आइए सुनते क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ पर। सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी जी से कि कुपोषण को विभाग किस तरीके से डिफाइन करता है और क्या स्ट्रेटेजी है कि आने वाले कुछ सालों के भीतर कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो सपना आप लोग देख रहे हैं वो साकार हो सके। धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि कुपोषण के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है ये एक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में हम लोग, हमारा विभाग उसमें कार्य कर रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये केवल एक विभाग का ही नहीं, इसमें अन्य जितने भी हमारे विभाग आज बैठे हैं, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, फूड डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सब मिलके एक रणनीति के रूप में इसमें कार्य कर रहे हैं। और महिला बाल विकास के लगभग 50,000 से ज्यादा जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उनके माध्यम से हम लोग ये कुपोषण का लड़ाई हम लोग कर रहे हैं और सुपोषण की ओर जो बढ़ने का कार्य योजना के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जो ये सुपोषित छत्तीसगढ़ के लिए जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे पहले भी वक्ताओं ने बताया कि पहले जो 1000 दिवस होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्हें उसके जो गर्भवती महिला से लेकर वो बच्चे का जो दूसरा जन्मदिन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जन्म के पहले जो 50% अगर वो महिला को अच्छा, गर्भवती महिला को ठीक से भोजन या बाकी सुविधाएं नहीं मिलती है तो 50% जो स्टंटिंग होता है, बोनापन होता है, वो जन्म के पहले ही दिखने में आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि हम लोग जो विभिन्न योजनाएं हमारी होती है, जो हमारी ICDS योजना है, हमारी जो गर्भवती महिलाओं के लिए हम लोग विभिन्न योजनाएं चलाते हैं उसके माध्यम से हम सुपोषण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में हम लोगों ने सभी जगह ये सुपोषण का कार्य, हम लोगों ने ये संकल्प लेके कार्य कर रहे हैं। ये जो सितंबर महीना है उसको पोषण माह के रूप में हम लोग छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से इसको हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और हम लोग सुकमा से लेकर जशपुर तक के हमारे जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वजन त्यौहार हम लोग प्रति माह करने की हम लोगों ने कार्ययोजना बनाई है और टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं कि बच्चों का जो वेट्स है उसको भी हम मॉनिटरिंग करें, जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं उन लोगों को भी हम रेगुलरली मॉनिटर करें। तो ये पूरी कार्ययोजना के रूप से हम चल रहे हैं और इसमें सभी विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि 1975 से केंद्र सरकार ने ICDCES प्रोग्राम की शुरुआत की थी, बहुत लंबा वक्त बीत गया है लेकिन तब से और आज के आंकड़ों को देखें तो जो एक अपेक्षित सफलता पानी चाहिए थी वो सफलता नहीं मिल पाई है। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो 18 साल छत्तीसगढ़ को हो गया लेकिन आज भी 37% यदि कुपोषण की दर है, बहुत बड़ी दर है। कोई लक्ष्य निर्धारित है विभाग का कि इस टाइम बॉन्ड फ्रेम में कुपोषण का खात्मा किया जा सकेगा? देखिए, जैसे कि आपको जानकारी होगी, हम लोगों ने एक लक्ष्य, एक टारगेटेड रूप से जा रहे हैं। पहले आपका कहना सही है कि कई सालों से ये योजना संचालित है और वो जो अपेक्षित रिजल्ट आना था वो शायद नहीं आ पाया, मगर अब टारगेटेड रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कुपोषित है, गर्भवती महिलाओं के लिए हम लोग विभिन्न कार्ययोजना के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक हम लोग कार्ययोजना के तहत बढ़ रहे हैं, आगामी 3 वर्ष का हमने लक्ष्य रखा है जब हम लोग छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्त करने का हमने लक्ष्य रखा है और उसकी हम लोगों ने मंथली कार्ययोजना बनाई है और उस मंथली कार्ययोजना के तहत हम चल रहे हैं। और कुपोषण के साथ एक एनीमिया, वो भी एक बहुत बड़ा विषय होता है, तो उसके लिए भी हम लोग स्वास्थ्य विभाग के साथ हम लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो 3 वर्ष का हमने जो ये लक्ष्य रखा है उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुपोषण से मुक्त करने की हमारी कार्ययोजना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि 3 सालों में बड़ी सफलता विभाग को मिले, छत्तीसगढ़ को मिले। स्वास्थ्य विभाग का आपने जिक्र किया है, निहारिका बारिक मैडम यहाँ पर बैठी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की सेक्रेटरी। मैडम, कई स्कीम्स जो है एसोसिएट होकर WCD के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, चला रहा है, ग्रासरूट लेवल तक जाकर मॉनिटरिंग भी हो रही है। निगरानी किस तरीके से आप लोग करते हैं और विभाग कितना इम्पोर्टेंट रोल कुपोषण के खात्मे के लिए कर रहा है? मेरे से पहले भी सभी स्पीकर्स बार बार कह रहे हैं पहला 1000 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के और इंसान के लाइफ में। तो मैं शुरू से, हमारा मेटालिन है, वो ट्रेन है, एक प्रोग्राम हमारा है होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, उसमें वो 03 6 9 15 45 इन दिनों में ज़रूर जाते हैं जहाँ बच्चा पैदा हुआ है, जच्चा बच्चा को देखते हैं, माओं को बताते हैं बच्चों को कैसे ठीक से संभाला जाए।
एक इशू ये आता है कस्टम्स एंड सोशल ट्रेडिशन में पहले जैसे था माँ का दूध सबसे पहले एक दो दिन पिलाते नहीं थे, बाद में पिलाते हैं, पर इसको धीरे धीरे हम ये मितानिनों को ट्रेन किए हैं, वो जाके हर माँ से बात करते हैं। सबसे पहला दूध माँ का बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ऐसे न्यूट्रिशन होता है जो बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम को पूरी जिंदगी के लिए बनाता है। इनिशियली हम लोग कुछ रेजिस्टेंस दिखते थे, पर अभी मैं देख रही हूँ ज़्यादातर माएँ भी दूध पिलाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और कर रहे हैं। कुछ थी जो पुराने प्रेडिक्शन में वो मना करती थी, पर हमारी मितानिन्स को भी हम ट्रेनिंग दिए हैं वो किस तरह से उनको समझाएंगे, वो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के लिए जाते हैं। देन द सेकेंड पार्ट इज नेक्स्ट प्रोग्राम इज होम बेस्ड यंग केयर। इसमें है जो बच्चे शुरू से वीक है, हमारे SNCUs होते हैं अस्पताल में, सिक एंड न्यू बॉर्न केयर यूनिट, गंभीर कोई बीमारी बच्चा पैदा होने के बाद होता है हम उस यूनिट में रखते हैं, बच्चे को रिवाइव करते हैं। वैसे बच्चे जब घर में जाते हैं मितानिन उन घर को भी चिन्हांकित करते हैं, उसमें भी वो 3 माह 6 माह 9 माह 12 माह 15 माह में ज़रूर जाते हैं, उनका वजन लेते हैं, उनकी सारी पैरामीटर चेक करते हैं, उनका फॉलोअप करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ता है बच्चे को फिर अस्पताल लाने की मितानिन उन्हें लेके आते हैं। इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है पोषण पुनर्वास केंद्र, NRC जिसको हम कहते हैं, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर। भारत सरकार की मदद से, NHM के मदद से हमारे पास 79 NRCs हैं, अलावा CSR और GMF फंड से भी और 15 NRC स्टेट में हम बना चुके हैं। इन NRC में जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं चिन्हांकितों के आंगनबाड़ी से या गाँव से हम उन्हें लेके आते हैं, ना कि पोषण का आहार और ये सब साइंटिफिकली जो बनाया जाए उनको दिया जाता है, उनका जो उपचार भी चाहिए हेल्थ संबंधित डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें है हम उनके अभिभावक माँ या बाप को भी वहाँ रखने का व्यवस्था रखते हैं और उनका वेस्ट कॉम्पनसेशन करते हैं, जैसे क्योंकि वो बच्चे के साथ अगर अस्पताल में रहे काम पे नहीं जा पाते तो नरेगा रेट में उनको 15 दिन का वेज कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है। यहाँ पे हमारे खाना बनाने पकवान बनाने वाले होते हैं, उन बच्चों को पोषण आहार कैसे दिया जाएगा माओं को भी सिखाया जाता है ताकि घर में जाके वो चीज़ वो बना के दे पाए। और इसमें मैं आपको बताऊंगी पिछले 2018-19 में करीब 14,000 बच्चे हमारे NRC में आके उनका स्वास्थ्य बेहतर हो गया है। अभी 4,000 बच्चे 2019-20 में भी आ चुके हैं, सतत ये मॉनिटरिंग जारी है। यहाँ पे एक पोर्टल है यूनिसेफ के मदद से, हम ये पोर्टल भी मैनेज करते हैं, इन बच्चों की डेवलपमेंट मैनेज करते हैं और अगर कोई दिक्कत है तो उन्हें फिर वापस लाते हैं। गेस्ट जितने हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर डिस्कशन चल रहा है तो कृपया ध्यान इधर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण संचालक यहाँ पर एस प्रकाश जी मौजूद हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अदा कर रहा है, खासतौर पर कुपोषण के खात्मे के लिए मिड डे मील के जरिए कवायद विभाग लंबे समय से कर रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मिड डे मील में जिस क्वांटिटी में और जिस रूटीन प्रोसेस के थ्रू जो फूड बच्चों को डिलीवर किया जा रहा है वो पर्याप्त है? आपका सवाल सही है क्योंकि MDM स्कीम अभी का नहीं है, पिछले 15-20 साल से चल ही रहा है और हमारे राज्य में जितने लगभग 44,000 स्कूल में चल रहा है और लाभान्वित बच्चों का संख्या रफली 28 लाख है, जो सरकारी स्कूल और एडेड स्कूल दोनों में चल रहा है। ये बात सही है, हमारा जो MDM का पकाने वाले संस्था है अधिकांश जगह पर महिला स्वयं सहायता समूह है उनके माध्यम से चलता है और वहाँ का चावल हमारा फूड डिपार्टमेंट के द्वारा सप्लाई होता है और अन्य चीज़ जो भी वहाँ दाल और अन्य सब्जियाँ लोकली वो लोग परचेज करना है। सो एज ए डिपार्टमेंट वी इश्यू निर्धारित शेड्यूल देते हैं उस दिन क्या क्या सप्लाई होना है, बट अल्टीमेटली द फ्रूट टेस्ट फूड का टेस्ट है और उसका जितना क्वांटिटी में प्रोटीन होना है कैलोरी कितना होना है उसमें जो कुक है उनका हाथ में है। सो वन बट लास्ट ईयर हम लोग जो फिक्सी का द्वारा एक्रेडिटेड संस्था के माध्यम से उसको सैंपल टेस्ट किए थे, उसमें 54 जगह पर टेस्टिंग में हमारा प्रोटीन में बहुत कमी आया।
सो रैंडम चेकिंग किए थे, उसके बाद हम लोग सभी का निर्देश दिया है, कड़ी कार्रवाई तो नहीं हुआ है बट सॉफ्टली बोला है और उनको ट्रेनिंग भी दिया गया। लास्ट ईयर हम लोग 150 सेंटर में जांच हुई रैंडम चेकिंग एंड इट हैज बीन टेस्टेड बाय आवर एक्रेडिटेड लैब। उसमें जो जो कमी था प्रोटीन का कमी उसमें से 60% कम हो गया। सो वी आर ऑल्सो रेगुलरली मॉनिटरिंग और जो निर्धारित क्वांटिटी है जो प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए एक बच्चों के लिए 10 ग्राम देना है सॉरी 20 ग्राम दाल देना है और हाई स्कूल मिडिल स्कूल के लिए 30 ग्राम देना है उतना भी सप्लाई हो रहा है वो तो क्वांटिटी के ऊपर में तो उसको भी रेगुलर चेकिंग वहीं लोकल का जो SMC होता है हमारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और पेरेंट टीचर एसोसिएशन वो उनको भी जांच के लिए दिया है उसको भी रेगुलर मॉनिटरिंग चल रहा है। तो इस प्रकार हम लोग गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल ही रहा है। साथो साथ हमारे राज्य में आज के दिन पर प्रोटीन का कमी दिखता है उसको दूर करने के लिए दाल के लिए भी सेंट्रलाइज सप्लाई करने के लिए प्रयास चल रहा था बट अभी पाइपलाइन में। दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन। सेकेंड हमारा जो जो कुपोषित दूर करने के लिए हमारा स्कूल बच्चों के लिए जैसे इवन महिला वार्ड में भी चल रहा है आंगनवाड़ी में भी चल रहा है सोया दूध है तो हम भी हमारा राज्य में अभी फिलहाल 2 जिले में चल रहा था। आने वाला महीने में अभी फ्लेक्सी मत कर MTM का एक भारत सरकार का फ्लेक्सी मत से हमको मिला है दैट्स इनोवेटिव मोड में हम लोग लिया है उसमें से 4 और जिला का बढ़ाने वाले हैं दूर महासमुंद सॉरी दूर गरियाबंद और कुरिया एंड सूरजपुर। सो धीरे धीरे हम लोग एक्सपांड कर रहा है। सो जहाँ जहाँ हम लोग उसके बाद जांच किए जरूर उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। सो इस प्रकार हम लोग धीरे धीरे विभाग के द्वारा कुपोषण से मुक्त होकर हमारा बच्चों भी क्वालिटी में आओ उसके लिए प्रयास लगातार चल रहा है और खासकर जो नक्सल पीड़ित एरिया है आप पहले भी आपका इनॉग्रेशन में बोले थे हमारा राज्य में जो नक्सल पीड़ित कार खास तौर पर जो 4 डिस्ट्रिक्ट है सुकमा बीजापुर दंतेवाड़ा नारायणपुर वहाँ का जितने भी स्कूल है वहाँ पूरा कोटा कैबिन से चल रहा है उनको वहाँ हॉस्टल भी बनाया कर रखा है हम लोग। सो वहाँ तो तीनों समय में डिपार्टमेंट के माध्यम से सेंट्रलाइज कोचिंग के माध्यम से वहीं सप्लाई हो रहा है। सो इस प्रकार हम लोग लगातार प्रयास चल रहा है हमारा बच्चों को गुणवत्ता युक्त खाना मिलने के लिए। सोया मिल का आपने जिक्र किया पिछली सरकार के दौरान की ये योजना थी लेकिन प्रॉपर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया अभी भी कई जिलों पे नहीं मिल रहा है। आपने कहा कि शायद 2 जगहों पर शायद ये वितरित हो पा रहा है 2 जिलों में शायद लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जो मिड डे मील बच्चों को दिया जा रहा है यदि दाल सर्व है दाल बच्चों को दिया जा रहा है तो दाल को अलग अलग वैराइटीज अलग अलग किस्म की जो दाल है उसकी दाल को मिलाकर बच्चों को दिया जाए यदि बच्चों को रोटी दी जा रही है तो अलग अलग आटे को मिलाकर बच्चे को रोटी दी जाए ये इसकी पहल क्या विभाग कर सकता है या कोई विभाग की योजना में शामिल है ये या उसमें क्योंकि वो उसमें मार्केट रेट भी एक फैक्टर इन है okay. दाल का रेट भी फ्लक्चुएशन होता रहता है। सो अभी तक जो ये बच्चों के लिए जो MTM पकाने के लिए कितना पैसा आया था उसमें अभी वृद्धि हुआ है। सो नेचुरली इस साल हमारा उम्मीद है लगभग एक बच्चों के पीछे में 50 पैसा वृद्धि हुआ है इस साल से। सो नेचुरली वी आर एक्सपेक्टिंग मोर क्वालिटी। कमलजीत साहब फूड डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट से ही फूड की सप्लाई होती है खासतौर पर स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर बेहतर काम डिपार्टमेंट कर रहा है लेकिन अभी हाल में एक नई योजना भी शुरू की है खासतौर पर बस्तर के लिए गुड़ और चना वितरण लगता है कि नतीजे बेहतर आएंगे हालात बदलेंगे बस्तर के। जी निश्चित रूप से जैसा कि ये वैसे तो बहुत बड़ा विषय है कुपोषण लेकिन जो इसके कारणों में जो पहला कारण है वो ये है कि पर्याप्त खाने के लिए उपलब्धता जितने भी प्रकार का कोई अन्न सब्जियां या जो अन्य वस्तुएं चाहिए तो उपलब्धता सबसे पहला विषय उपलब्धता। उसके बाद जिस व्यक्ति को ये खाना है हमारे जो नागरिक हैं वो उसको क्रय करने की क्षमता रखते हों यानी उनको उस कीमत पे ये उपलब्ध होना चाहिए कि वो अपनी जो सीमित आय है उसके भीतर इसको खरीद के खा सकें। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो स्वास्थ्यगत या परंपरागत रूप से कई ऐसी चीजें तो जो हमारा रोल है उसमें ये पहला उपलब्धता पे और दूसरा उनकी क्रय क्षमता के ऊपर। तो बस्तर में विशेष रूप से जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें ना केवल चावल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है बल्कि खाद्यान्न के रूप में अतिरिक्त चना
नमक, ये योजनाओं की भी उसमें आज के दिन वहां पे जल रहा है, और फ्यूचर में गुड़, जिससे कि ना केवल जिसको अपन कैलोरी कंजम्पशन में मानते हैं, आपको ध्यान होगा कि किसी जमाने में जब गरीबी रेखा का मापदंड हुआ करता था तो जिसके पास पर्याप्त कैलोरी यानी खाना नहीं था या कमी होती थी उसको गरीब माना जाता था। तो वो कमी को दूर करने के लिए गुड़, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आयरन भी है, तो इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था के माध्यम से हम लोग कुपोषण को दूर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही साथ इसमें ये विषय भी आता है कई बार कि सीधा पैसा ही क्यों नहीं दिया जाता, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार का हमारा अवेयरनेस लेवल है तो क्या वो पैसा देने के बाद व्यक्ति वही चीजें खरीदेगा जिससे उसका कुपोषण दूर हो, या कोई और उसके परिणाम भी हो सकते हैं। तो आज के दिन जो पीडीएस व्यवस्था है, शासन ने जो अभी हाल ही में बदलाव किया कि 7 किलो को बढ़ा के 10 किलो किया, और 10 को बढ़ा के 14 को बढ़ा के 20 किलो और बाकी सभी को 35 किलो और फिर अतिरिक्त उसमें पात्रता की श्रेणी क्रिएट की, उसका भी एक आधार है। भारत सरकार के अध्ययन में ये पाया गया कि जिन लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य या 7 किलो प्रति सदस्य मिल रहा था वो उसके अतिरिक्त भी निजी दुकानों से खाद्यान्न खरीदते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या 60-70% थी। तो अभी भी गैप था जिसको अभी पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और बॉन्ड फ्रेम इसके लिए इसमें जो एपीएल, अभी जो बीपीएल के साथ साथ एपीएल को भी अब पूरे को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए उम्मीद है कि हम लोग 2 अक्टूबर से राशन कार्ड, जो ताकि सभी को इस अधिकार का लाभ मिल सके और इस कुपोषण की व्यवस्था में से सभी लोग बाहर आ सकें, क्योंकि जब भी हम कोई चिन्हांकन करते हैं 100 लोगों में से तो उसमें 5-7 लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास कोई कागज नहीं रहता या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहती कि वो चिन्हित हो सकें, और कुछ लोग जो अपात्र रहते हैं वो भी चिन्हित हो जाते हैं, लाखों की संख्या में ऐसे हितग्राही रहते हैं। तो यूनिवर्सल पीडीएस की जो हम अभी अवधारणा लेके आ रहे हैं और जिसमें काम चल रहा है, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इससे इस अभियान में गति आएगी। पैनिश का भी आपको लंबा अनुभव है सर, क्या लगता है कि कुपोषण में सिर्फ सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या इसके परे भी कुछ है? देखिए, सोशो इकोनॉमिक केवल प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप देखेंगे शहरी क्षेत्र में या जो ऐसे वर्ग हैं जो संपन्न वर्ग हैं, अगर आप वहां भी उनका एनीमिया टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एनीमिया वहां भी मिल जाएगा। वो उनके खान पान के तरीकों या जो सामाजिक कई बार ऐसी वहां पे भ्रांतियां रहती हैं, जैसा कई जगह है कि भाई गर्भवती महिला को इतने दिन तक कुछ नहीं देना है, भले ही परिवार संपन्न ही क्यों ना हो, तो ऐसे भी और बहुत सारे कारण हैं जिसपे जागरूकता से बढ़ाने से, मितानिन के माध्यम से या डॉक्टर ANM के माध्यम से, काउंसलिंग से ये चीज़ें दूर हो सकती हैं। तो केवल उपलब्धता एकमात्र विषय नहीं है, लेकिन जो हमारे राज्य में जो मैं देखता हूँ, एक उपलब्धता और उसकी जो क्रय क्षमता के भीतर ये वस्तुएं उपलब्ध कराना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम लोग मीट आउट करने की कोशिश। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, बाहर एनीमिया की जांच भी यहाँ चल रही है, तो बहुतों का कुपोषण की दर किसके भी दर कितनी है, कौन कितना एनीमिक है, वो रिपोर्ट भी आएगा तो पता चल जाएगा। राकेश चौधरी साहब PCCF हैं, उनसे एक सवाल है, चूंकि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर कुपोषण की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, आंकड़े बताते हैं, क्या जो इकोसिस्टम है ये कुपोषण को कुछ हद तक प्रभावित करता है या कर सकता है? और वन विभाग में कई तरीके के लघु वन उपज हैं, क्या ये भी एक रिसोर्स बन सकता है कुपोषण मुक्ति के लिए? निसंदेह आशीष जी, किसी भी देश या प्रदेश के विकास का आकलन 2 पैमानों के आधार पर किया जाता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम अधोसंरचना विकास सूचकांक कहते हैं, और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मानव विकास सूचकांक। यदि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे पौष्टिक आहार की उपलब्धता ये आती है। छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, और मेरी इस बात से यहाँ पर उपस्थित काफ़ी
लोग वाकिफ होंगे कि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में विशेष करके डिलीवरी के बाद महिलाओं को मुंगा ड्रम स्टिक या मुरेंगा जिसे हम कहते हैं उसका उसकी भाजी या उसका काढ़ा पिलाया जाता है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि मुंगा एक ऐसा ऐसी प्रकृति की देन है जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आयरन कंटेंट में बहुत रिच है। प्रकृति में ऐसी चीजें उपलब्ध है जैसे बहुत सारे कंद हैं, जिमीकंद है, डांग कंद है, लाल कंद है, बरेजा कंद है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कम से कम 32-33 किस्म की भाजियां पाई जाती हैं, खेकसी है, कटहल है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सारी चीजें लोगों के फूड हैबिट से बाहर होते जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि न केवल माताओं के लिए बल्कि आंगनबाड़ी में भी शिशुओं के लिए एक जबरदस्त अवेयरनेस कैंपेन इसमें कराए जाने की आवश्यकता है और ये सारी चीजें प्रकृति में नेचुरल रूप से अवेलेबल हैं। जैसे हम बस्तर की विशेष करके यदि हम बात करें तो बस्तर में काफ़ी मात्रा में चिरौंजी पाई जाती है, शहद उपलब्ध है, काजू उपलब्ध है, महुआ उपलब्ध है। तो अभी इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने सेंटर फॉर फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर से हम लोगों ने कुछ विषय विशेषज्ञों को बुलाया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं लघु वनोपज संघ के माध्यम से कि चिरौंजी, शहद, काजू और महुआ इसको मिला करके हम कोई एनर्जी बार या प्रोटीन बार जैसी कोई चीज डेवलप करें जो मिड डे मील में यदि हम बच्चों को सप्लाई कर सकें तो वो एक कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, अवेयरनेस की जरूरत है। सिद्धार्थ कुमार परदेसी साहब की अवेयरनेस को लेकर कमी आखिर कहाँ रह जा रही है, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, लगता नहीं कि कुपोषण को लेकर एक जन आंदोलन बनाए जाने की जरूरत है और यहाँ पर एक बड़ी चूक हो जा रही है? और यदि प्लानिंग का ये हिस्सा है तो किस तरीके से इसको इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा? मैं पीसीसीएफ सर ने जो विषय बताया कि जो हमारे परंपरागत जो साधन थे उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं कि पहले भी जब गर्भवती महिला यानी गांव में जो गर्भवती महिलाएं होती थी तो उनके जो यानी दादी हो गई या कोई भी हो गई तो उनका एक रेसिपी बनता था। जैसे तब जैसे सर ने बताया गोंद के लड्डू यानी ये जिमीकंद, गोंद के लड्डू वगैरह ये सब परंपरागत चीजें थी जिससे हम लोग दूर होते गए। तो अब हमें इसे पुनः वापस लाना है। हम लोग जैसे बता रहे हैं दोनों रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं, एक तो ट्रेडिशनल रूप से जो ट्रेडिशनल गांव में दाई होती है, बाकी लोग रहते हैं, उन लोगों के हम लोग समूह बना के उनके माध्यम से हम लोग अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों के जो रेडी टू ईट की जो हमारे जो कंसेप्ट होता है उसको भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को हम लोग उपलब्ध कराते हैं, फिर जो न्यू बॉर्न बेबी जो छः महीने से उसको 3 साल तक के बच्चों को हम लोग उसको घर पहुंच तक उपलब्ध कराते हैं और बाद में उसको आंगनवाड़ी केंद्र में। तो अवेयरनेस में हम लोग अब बहुत कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कला जत्था के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, गांव में जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनके माध्यम से अवेयरनेस की आवश्यकता है। मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये अवेयरनेस पहले था गांव में, शुरुआत में था, मगर ये धीरे धीरे हम लोग उससे दूर होते गए और इस प्रकार का भोजन हमारे लाइफस्टाइल में आ गया। और कुपोषण आप देखेंगे केवल गांव में ही नहीं, शहरों में भी ज्यादा है क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स में बहुत चेंज आ गया है। तो उसमें देखते हुए हम लोगों ने कार्य करना है। अभी एक वक्ता मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि WHO ने ये बताया है कि आपकी थाली में 50% प्रोटीन एंड 50% कार्बोहाइड्रेट्स का ये एक बैलेंस बनाना आवश्यक है। ये पहले हमारे गांव में और हमारे ट्रेडिशनल एरिया में होता था, मगर उसको हम लोगों को अब फिर से शहरों में और गांव में फिर से हमको इसे मोटिवेट करना है। अब तो बहुत सारी मिनिस्ट्री कुपोषण की रोकथाम के लिए काम कर रही है, लेकिन जिस कोऑर्डिनेशन की जरूरत होनी चाहिए आपको लगता है कि वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे में हो पा रहा है? ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने विभिन्न समितियां बनाई हैं जिसमें विभाग के जो विभिन्न विभाग के सचिवगण होते हैं वो मिलके कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर में एक मैं बताऊंगा कि गांव में हम लोग पोषण मेला, पोषण कार्यक्रम, पोषण सभाएं आयोजित करते हैं। उसमें स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, पंचायत विभाग के होते हैं, खाद्य विभाग के होते हैं, ये सब मिलके कार्य कर रहे हैं। तो जैसे आपने शुरुआत में ही पूछा ICDS का रिजल्ट क्यों नहीं आया,
उस रिजल्ट को लाने के लिए एक ये टारगेटेड रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं और सभी विभाग इसे मिलकर कार्य करें तो अवश्य रूप से आपको आगे दिखेगा कि इसमें आपको जो कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमारा नारा है और जिसमें आप लोग भी आज चर्चा कर रहे हैं उसमें हम लोग सफल होंगे। इस प्रकार जी ग्रामीण अंचलों पे दौरा करने पर ये पता चलता है कि कई परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को घर पर खाना इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्कूल जाएंगे वहाँ मिड डे मील बन जाएगा, खासतौर पर जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं। ऐसे परिवारों के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या कोई प्रोसेस स्कूल शिक्षा विभाग के भीतर काम कर रहा है या क्या बेहतर हो सकता है, किस तरीके से परिवार को अवेयर किया जाए कि मिड डे मील तो ठीक है स्कूल दे ही रहा है, वो अतिरिक्त पोषित करने के लिए दे रहा है लेकिन घर पर भी पोषित खाना दिया जाना बेहद जरूरी है। या हम लोग उनका पालक को बुलाकर भी चर्चा करते हैं, हमारा मीटिंग होता है हर महीना तो उसमें उनको प्रयास करते हैं हमारा MDM के साथ साथ उनका घर में भी करने के लिए। आपका बात सही है, कुछ इलाके पर जो गरीबी है उसका वहाँ उनके घर से बेहतर हमारा MDM मिलता है तो उसको भी दूर करने के लिए हम लोग इस बार अभी 2 ब्लॉक से शुरू हो रहा है नाश्ता वितरण के लिए सुबह नाश्ता का, अभी 2 ब्लॉक में अभी आने वाले अगले महीने से शुरू होगा तो उसको चिन्हित किया है, एकदम पिछड़ा ब्लॉक है उसी ब्लॉक में शुरू कर रहा है। सो इन दैट वे वी आर आल्सो कंटिन्यूसली प्रपोजिंग एंड वी आर आल्सो इम्प्लीमेंटिंग जो पोषण से जितने भी इश्यूज आ रहा है उसको दूर कर हमारा स्कूल बच्चों स्कूल रेगुलर में प्रवेश हो और देर वोंट बी एनी ड्रॉप आउट और उनका हेल्थ भी अच्छा बेहतरीन हो, इसी दिशा में काम कर रहा है। निहारिका बारिक जी, एक सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग में आमतौर पर दो विरोधाभास डाटा निकलकर सामने आते हैं, कुपोषण के रेशियो को देखें तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन विभाग पहले ही ये काम भी करता नजर आता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका प्री आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाए कि एनीमिक है या नहीं है, विभाग के प्रोसेस से गुजरता भी है करता भी है, बावजूद उसके जो कुपोषण का रेशियो कम होना चाहिए वो ग्राउंड पर दिखता नहीं है, रियलिटी क्या है? पहले तो मैं कहूँगी कुपोषण का रेट जरूर कम हो रहा है, 43 किसी जमाने में था अभी 37.3 पे आके पहुँच गया है एंड ये सिर्फ 7 नंबर का डिफरेंस नहीं है, ये पाने के लिए साल लग जाते हैं और बहुत मेहनत लगता है। हम आइडेंटिफिकेशन जब करते हैं हम रिप्रोडक्टरी एज में जो लड़कियां होते हैं वहाँ से करते हैं, हमारा एक विफी कार्यक्रम है आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देने का है जो कि स्कूल एजुकेशन महिला बाल विकास के साथ मिलकर हम करते हैं। अभी एक जूनियर विफी भी हम शुरू करने वाले हैं जो 5 माह तक के बच्चों को पिंक टैबलेट आयरन एंड फॉलिक एसिड हम देने वाले हैं। अभी स्कूल में हफ्ते में एक दिन सभी बच्चों को दिया जाता है ब्लू टैबलेट आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट, जिसमें हम सतत स्कूल एजुकेशन के साथ समन्वय में काम करते हैं ताकि गुरुजी सब बच्चों को वो टैबलेट जरूर खिलाए। उस एज में जो एडोलेसेंट एज में अगर आयरन की कमी हो तो आगे जाके रिप्रोडक्टरी एज में भी वो प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगा और उनके बच्चों में भी कुपोषण होगा, तो हम उसी एज से स्कूल के एज से उनको ट्रैक करते हैं। फिर रिप्रोडक्टरी एज में जो महिलाएं होते हैं आंगनवाड़ी के थ्रू में उनको भी आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हम देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो ANC जांच होती है 4 ANC जांच जो होने के समय में हम महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं उनका बाकी सब जांच के साथ ये पोषण आहार उनको क्या दिया जाएगा उसके बारे में काम करते हैं। कुछ जिलों में बहुत अच्छा काम किया है जैसे चतुर्वेदी साहब ने बताया कि मोरेना यानी कि आपका जो ड्रम स्टिक्स है उसका पत्ता बहुत बढ़िया काम करता है आयरन सप्लीमेंट के हिसाब से। कुछ जिलों में जांजगीर में मुझे याद है कलेक्टर के इनिशिएटिव से उन्होंने उसको पत्ते को सुखा के ड्राई पाउडर जैसे बना के सप्लीमेंट जैसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत पारंपरिक व्यंजन है जिसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। आप कोई फॉरेन डाइट ला के लोकल लोगों को बताने से वो उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हमारे जो यहाँ छत्तीसगढ़ के जो डाइट में क्या खाना है जिससे उनको पोषण प्राप्त हो सके वही चीज़ों को हमें फोकस करके काम करने की आवश्यकता है। हमारे मितानिनों को हम खास ट्रेनिंग देते हैं गर्भवती महिलाओं के पास जाए तो साग खाना है कौन से साग में क्या है ये बताने की उनको ज़रूरत होती है वो बताते हैं, गुड़ खाने के लिए कहते हैं वहाँ भी आयरन होता है, जिस एरिया में केला होता है ज्यादा वहाँ केला खाने के लिए हम महिलाओं को कहते हैं। सतत कोशिश जारी है और जैसे कि एनी सोशल इंडिकेटर या हेल्थ इंडिकेटर ओवरनाइट चेंज नहीं होता है, उसके लिए कड़ी मेहनत लगता है,
सभी का लगता है और धीरे धीरे वो होता है। काफी सुधार आया है और मुझे उम्मीद है मेहनत से और बहुत सुधार आ जाएगा। परेशी जी अंदर परेश आबकारी और उद्योग मंत्री का वासी लग...